ये बताइए आप अंशु कि आपका जो पांचों सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स लेकर आए हैं। मेरा मैथमेटिक्स में 97 और साइंस में 95, सोशल साइंस में 95, हिंदी में 94 और संस्कृत में 91 और इंग्लिश में 69। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर हैं, मास्टर साहब की लड़कियाँ हुई आप? अच्छा, माँ क्या करती है, घर की काम? हाउस वाइफ हैं। अच्छा, क्या हुआ, कितना मार्क्स से आप छूट गए टॉपर में? 7 मार्क्स। बिहार टॉपर में या जिला टॉपर में? बिहार टॉपर में 7 मार्क्स से छूट गए। तो अभी बेहतर पढ़ाते हैं? तो इस बार तो आपके कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन की, लगभग 60% जो बच्चे हैं, 87 टोटल। यहाँ पे महफूज सर हैं, इनसे आपसे बात करेंगे। महफूज सर, आपके पास टोटल इस बैच में कितना स्टूडेंट था इस बार? टोटल 60 बच्चे थे। हाँ, ठीक है, जिसमें लास्ट में लगभग प्रेजेंटेशन जो था वो 55 बच्चे थे, और उसमें कुल मिला करके 300 से लेकर के 400 मतलब कि 72 नंबर में 37 बच्चे आए, और इसमें उसके बाकी जो बच्चे हैं उसमें सेकंड डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन में लगभग आपको 60% से ऊपर, लगभग 60% जो बच्चे हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन में। अच्छा जी, आप देख सकते हैं जो कि यहाँ की टॉपर है, 472 मार्क्स लाई है। अंशु सुमन, आप थोड़ा सा घबराई हुई लग रही है, डरी क्यों लग रही है? तैयारी कर, कैसे तैयारी आपने कैसे किया इतना मार्क्स लाने के लिए? क्या प्लानिंग क्या था आपका तैयारी करने का? ये हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उन स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी तैयारी करें जो इतना मार्क्स ला सके? सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सामने अंशु कुमारी जो की 472 मार्क्स लेकर आई है, यहाँ की जो टॉपर है, और सेकेंड टॉपर जो है यहाँ पे कत्यानी कुमारी है जो की 463 मार्क्स लेकर आई है, 463 टोटल अंक प्राप्त किए हैं। और कितना कितना मार्क्स लाए हैं टोटल सब्जेक्ट में? कृष्णा कुमार है जो कि यहाँ के थर्ड टॉपर है, कितना मार्क्स लेकर आए हैं? 460 मार्क्स लेकर आए हैं। कैसी तैयारी करते थे आप लोग? सर मेहनत करते थे बस। हाँ, सर लोग अच्छा कॉपरेट किए हैं जी। हाँ, बहुत अच्छा, मेहनत से पढ़ाते हैं जी, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। पूरा मार्क्स का होता है यहाँ पे टेस्ट? 50 का 50। 50 का 50 ले आते हैं। यस। तो अभी यहाँ पे सामने जो अंशु कुमारी है, इसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? यस। यस, तोड़ देंगे इसका रिकॉर्ड? यस, तोड़ेंगे इसका रिकॉर्ड? यस, तोड़ेंगे। यस यस। देखिए अंशु, सारे लोग जो है, सारे जो स्टूडेंट है आपकी जो जूनियर है, वो कह रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 49 आ जाता है। आप लोग? मेरा भी आ जाता है। आ जाता है। कैसी तैयारी आप लोग करते हैं? ठीक है, अच्छी है। 25 में रिकॉर्ड तोड़ देंगे अंशु कुमारी क्या? जी। हाँ जी, ठीक है, फिर हम नजर आएंगे आपको 25 में, रिकॉर्ड तोड़ देंगे अंशु कुमारी का, कोशिश जरूर करेंगे, 472 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यस सर। टॉपर बन के बिहार टॉपर बनेंगे आप लोग? कोशिश पूरी है, पूरा कोशिश रहेगी। यस सर। अरे बड़े छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? रूपेश कुमार। कितना एज है तुम्हारा? 14 साल है। क्या लगता है अंशु कुमारी का रिकॉर्ड तोड़ देना? पूरा कोशिश है सर, पूरा कोशिश रहेगा। इस बार तो जल्दीबाजी में आप लोग आ गए, हाँ। तो इस वजह से जल्दी बच्चे को एक प्राइज या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, हाँ। तो सेकेंड प्रोग्राम हम लोग चाहते हैं कि एक बड़े धमाके के साथ हो, हाँ। जिसमें आप ऐसे इनवाइट करते हैं कि आप भी उसमें भी रहेंगे, हाँ। ठीक है, और वो जल्द ही 10 से 15 दिन के अंदर में होगा, हाँ। ठीक है, तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए। ठीक है, जरूर टाइम निकाल के आएंगे, चूंकि बच्चों की भविष्य जुड़ी हुई बात है, बच्चों की जो है उज्ज्वल भविष्य की बात है, और बच्चे जो है यहाँ पे अच्छा मार्क्स लेकर आए, तो हमारे इस इलाके से बच्चे इतना मार्क्स लेकर आए, तो हमारा भी कहीं ना कहीं जो है ना, हम लोगों को भी जो है बहुत खुशी महसूस होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुसीगाड़ी नगर पंचायत में, और हमारे सामने आप देख सकते हैं लूसेंट कोचिंग सेंटर है, रिजल्ट का बादशाह। यहां पर जो है लगभग 60% बच्चे जो है इनका जो है इस साल में जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। आइए यहाँ के जो टॉपर्स हैं, 472 मार्क्स जो है अंशु कुमारी नाम की जो है छात्रा ने लेकर आई है, और जिला में जो है वो शॉर्ट लिस्टेड की गई थी टॉपर्स में। आइए हम देखते हैं, और उनका जो वेरिफिकेशन के लिए वो पटना भी गई थी, उनसे हम बात करेंगे। आइए यहाँ पर तमाम जितने भी बच्चे जो है अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त जो है आप लूसेंट कोचिंग के जो है ऑफिस में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है यहाँ के डायरेक्टर जो है महफूज सर जो है। महफूज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता की आवाज़। धन्यवाद सर आपका भी। आप यहाँ एक सरप्राइज के रूम में आ गए हैं,
जो कि आपको जैसा पता चला होगा कि मेरे संस्था से बहुत सारे बच्चे जो है चिप किए हैं। ठीक है, पता चला यहाँ पे अंशु नाम की जो लड़की है 472 मार्क्स। जी जी, सही सही सुने हैं, उसका रिजल्ट भी मेरे पास है। ठीक है, ये हम उनसे बात करना चाहेंगे सर। जी जरूर सर, आइए हम क्लास में। हमने जो है यहाँ और भी फैकल्टी है सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कौन सा सब्जेक्ट? और हम यहाँ साइंस और संस्कृत पढ़ाते हैं। हाँ, आपका सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ और SST पढ़ाते हैं यहाँ। हाँ, ये सामने जो है हमारे पिछले बार भी आए थे तो नाजिर सर जो है यहाँ पर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कोचिंग के। जी क्या सर? कुछ कहना चाह रहे हैं आपके यहाँ की लड़की तो 472। जी सर, इस बार भी मैट्रिक में बहुत सारे बच्चे 400 प्लस से लाए हैं और एक बच्ची ऐसी है जो अंशु सुमन है जो पटना से कॉल भी आया था वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन करके आई है, बस एक दो नंबर से क्या है कि वो छूट गया था और जिला टॉप में आई है इस बार। ठीक है, चलिए से बात करना चाहेंगे। क्लासरूम में जाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आइए यहां पर जो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सामने भी जितने भी यहां पर जो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, इनमें जो है तमाम स्टूडेंट जो ये लोग टॉपर्स हैं यहाँ के, मतलब फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेकर जो है इस कोचिंग में अपना अपना नाम रोशन किए हैं और 60% बच्चे जो यहाँ पर इस बार जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं तमाम फैकल्टी और स्टूडेंट जो इस बार के पास आउट है तमाम हमारे सामने जो है इस वक्त खड़े हैं। आइए इनसे हम बारी बारी करके बात करेंगे। आप लोगों ने कितना मार्क्स हासिल किया इसमें जो है फर्स्ट डिवीजन वाले? कितने हैं फर्स्ट डिवीजन वाले? तमाम लोग फर्स्ट डिवीजन, पीछे विंग बॉयज विंग भी तो सब फर्स्ट डिवीजन। क्या नाम हुआ आपका? नफीसा परवीन। कितना मार्क्स लाए? 309। क्या नाम हुआ आपका? नासरीन परवीन। कितना मार्क्स? 300। क्या नाम हुआ? रुचि कुमारी 366। क्या नाम हुआ? अंजुला कुमारी 312। क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी 305। क्या नाम हुआ आपका? रोमा कुमारी 372। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी 405। 405। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी 387। निशा कुमारी 387। क्या नाम हुआ? कत्यानी कुमारी। कितना मार्क्स? 463। 463। और यहाँ के टॉपर्स कौन है? ये आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता की आवाज़ आप तक में। आप बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे कोचिंग पर आए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अंशु सुमन। अंशु सुमन आप ही हैं। दोस्तों हमारे सामने इस वक्त जो है अंशु सुमन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि टॉपर है और जिला में जो है ये इनका जो है सिलेक्शन भी हुआ था, ये जो है वेरिफिकेशन के लिए पटना गई थी। क्या वजह था, पटना का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, कैसा वहाँ क्या कुछ पूछा गया था? वहाँ पूछा गया था सिलेबस से, पूछा गया था क्वेश्चन और फिर लिखवाया गया था वहाँ। हाँ, लिखवाया गया था तो फिर क्या हुआ, कितना मार्क्स से आप छूट गए टॉपर में? 7 मार्क्स। बिहार टॉपर में या जिला टॉपर में? बिहार टॉपर में 7 मार्क्स से छूट गए। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कैसी तैयारी कर रहे थे? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने इतना जो मार्क्स लाया इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? माता पिता और तमाम शिक्षकों। हाँ, तो यहाँ पे जो आपके जितने भी शिक्षक हैं इसमें सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं? सभी सर पढ़ाते हैं। सभी बेहतर पढ़ाते हैं। तो इस बार तो आपके कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीजन की लगभग 60% जो बच्चे हैं 87 टोटल। यहाँ पे महफूज सर हैं, इनसे आपसे बात करेंगे। महफूज सर, आपके पास टोटल इस बैच में कितना स्टूडेंट था इस बार? टोटल 60 बच्चे थे। हाँ, ठीक है, जिसमें लास्ट में लगभग प्रेजेंटेशन जो था वो 55 बच्चे थे और उसमें कुल मिलाकर के 300 से लेकर के 400 मतलब कि 72 नंबर में 37 बच्चे आए और इसमें उसके बाकी जो बच्चे हैं उसमें सेकंड डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन में लगभग आपको 60% से ऊपर लगभग 60% जो बच्चे हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन में। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुसरी गाड़ी नगर पंचायत में लुसेंट कोचिंग ने धमाल मचा दिया दोस्तों, 60% बच्चे यहाँ के जो है फर्स्ट डिवीजन की पास किए और आप देख सकते हैं जो कि यहाँ की टॉपर है 472 मार्क्स लाई है अंशु सुमन। आप थोड़ा सा घबराई हुई लग रही है, डरी डरी क्यों लग रही है? एक बार एक आ गए इसलिए। अच्छा ठीक है, तो आप तो पटना से इंटरव्यू वगैरह दे के आए तो आपको तो आप तो खुद हेजिटेशन तो होगा नहीं, वहाँ डर नहीं लग रहा था? मेरे सामने डर लग रहा है तो हम तो आप ही के ग्रामीण क्षेत्र के, आप ही के इस इलाके से है तो डरने की क्या बात। अच्छा अंशु, ये बताइए कैसी तैयारी कर, कैसे तैयारी आपने कैसे किया इतना मार्क्स लाने के लिए, क्या प्लानिंग क्या था आपका तैयारी करने का? ये हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उन स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी तैयारी करें जो इतना मार्क्स ला सके? सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये तो आप यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे यहाँ महफूज सर के यहाँ, यहाँ लुसेंट कोचिंग में आने के बाद यहाँ से जब जाते थे घर पे कितने देर पढ़ते थे आप, क्या शेड्यूल था वो बताइए? 5-6 घंटा। 5-6 घंटा पढ़ते थे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से शेड्यूल बनाए हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट का? जी। अच्छा, हाँ ये बताइए आप अंशु कि आपका जो पांचों सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स लेकर आए हैं? मेरा मैथमेटिक्स में 97 और साइंस में 95, सोशल साइंस में 95, हिंदी में 94 और संस्कृत में 91 और इंग्लिश में 69।
तो आपके पिताजी क्या करते हैं? हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर हैं, मास्टर साहब की लड़कियाँ हुई आप? अच्छा, माँ क्या करती है, घर की काम? मतलब हाउस वाइफ हैं। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं? आप तो 472 मार्क्स लेकर आई हैं मैट्रिकुलेशन में, तो बड़ी बात है इस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि इस कोचिंग के साथ साथ इस इलाके के लिए भी बड़ी बात है, समस्तीपुर जिला के लिए बड़ी बात है कि आपने 472 मार्क्स लाके महज 5 से 6 अंक से जो आप बिहार टॉपर में लिस्ट से बाहर हो गए। जी, तो आगे जो आने वाला जो समय है आपका, जो आगे इंटरमीडिएट में साइंस में पढ़ेंगे या आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे? साइंस लेकर पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट पसंद? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ेंगे जो है, बायोलॉजी लेना चाहते हैं जी। तो आगे क्या डॉक्टर वगैरह बनने का है? क्या दो है, क्या क्या जैसे कुछ बताइए? डॉक्टर IAS। डॉक्टर IAS या ये दोनों में से कोई भी चीज बनने का आगे इरादा है? जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखे। आइए कुछ और स्टूडेंट इनसे हम बात करेंगे, यहाँ पर जो और भी स्टूडेंट है जो बॉयज विंग में, बॉयज विंग से भी हम बात करेंगे यहाँ पर। हुसैन कोचिंग में आप मेरे सामने अंशु कुमारी जो कि 472 मार्क्स लेकर आई हैं, यहाँ की जो टॉपर है, और सेकेंड टॉपर जो है यहाँ पे कत्यानी कुमारी है जो कि 463 मार्क्स लेकर आई हैं, 463 टोटल अंक प्राप्त किए हैं। और कितना कितना मार्क्स लाए हैं टोटल सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में 96 नंबर है, हाँ। संस्कृत में 94, हाँ। साइंस में 90, और फिर सोशल साइंस में 89 है, और क्या मुझे फिर इंग्लिश में 50 है, हाँ। और हिंदी में 94 है, हाँ। चलिए बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आई हैं कत्यानी। और आपका क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार है जो कि यहाँ के थर्ड टॉपर है, कितना मार्क्स लेकर आए हैं? 460 मार्क्स लेकर आए हैं। कैसी तैयारी करते थे आप लोग? सर मेहनत करते थे बस। हाँ, सर लोग अच्छा कॉपरेट किए हैं जी, हा? बहुत अच्छा मेहनत से पढ़ाते हैं जी, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। कैसे सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, कितने कौन कौन सर आपके फेवरेट है यहाँ पे? सभी सर हैं जी। कौन कौन सर सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देते हैं? सब सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं अच्छा। हाँ। लुसेंट कोचिंग मुसीगारी में अच्छा पढ़ाती है जी। पिछले बार भी मैं आपके यहाँ आया था, शायद आप लोग उस समय थे कि नहीं? थे। अच्छा, 9th में पढ़ते थे उस टाइम। कैसे पढ़ाते सर? ठीक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आप लोग इंटरमीडिएट में क्या करेंगे? साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे? साइंस लेंगे। क्या कुछ बनने का आगे इरादा है? क्या कौन सा स्ट्रीम, कौन सा ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद? स्ट्रीम में कौन सा, साइंस में क्या कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? बायो। बायो लेंगे, आप भी बायो लेंगे। आप क्या लेंगे? मैथ। अब मैथ लेंगे जी। अच्छा, आपको क्या करना है आगे? कुछ प्लान तो होगा ना? आगे भी नहीं सोचा वैसे, मैथ आगे पढ़ाई करने के बाद फिर सोचेंगे। ठीक है, कितना मार्क्स लेकर आए हैं? 460 आप भी लाए हैं जी। तो आप भी लगभग आप दोनों का बराबर हो गया जी, थोड़ा सा लगभग जी, हाँ लगभग बराबर आप लोगों का। क्या कुछ करना चाहें, कौन सा सब्जेक्ट आगे लेंगे फिर? मैथ लेंगे। मैथ लेके आप भी पढ़ना है जी। क्या कुछ बनने का इरादा है? सर मैथ लेंगे, अभी नहीं सोचे। अभी नहीं सोचे हैं। आप लोगों ने कितना मार्क्स लाया? 460। आप भी 460। यहाँ पे तीन स्टूडेंट जो है ट्रिपल हो गए 460 वाले। 454 है आपका, बस उससे 6 नंबर कम है आपका, 6 मार्क्स। आपका 426। सब जो है 400 प्लस वाले यहाँ पे, इधर आइए। आपका कितना है? 337 है। और आप लोग का? आपका कितना? 394। आपका? 373। आपका? 364। और भी कोई है? आइए इधर आइए, छुप क्यों नहीं, आइए, छोटा है बहुत है। कितना मार्क्स लाए हैं? 384 यानी 450 प्लस लेके आए हैं। दोस्तों आइए, यहाँ पर जो है प्रेजेंट के जो स्टूडेंट है जो अगले 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको सही बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं? सर आपको फिर जो अभी प्रेजेंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनसे भी आपको हम मुलाकात कराना चाहते हैं कि अभी उनका किस तरह से शेड्यूल है और किस तरह से तैयारी करते हैं। जिस तरह से इस बार बच्चे जो 400 प्लस है, 400 लगभग 10 बच्चे लाए हैं, वो इसको भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं इस क्लास में जो प्रेजेंट में 10th पढ़ रहे हैं, लगभग इस बार 80+ बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट का जो 10th क्लास है जो अभी चल रही है, इसमें हम बात करेंगे बच्चों से कैसी तैयारी ये लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है यहाँ पे बच्चे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बैठ जाइए आप लोग। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त जो है 10th क्लास में मैं आ चुका हूँ और हमारे सामने तमाम जो है फैकल्टी, स्टूडेंट के जो फैकल्टी है अलग 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 सब्जेक्ट के, तमाम यहाँ पे जो है सामने खड़े हैं। आज जो है हम यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे, इन लोगों का कैसे तैयारी चल रहा है। आइए बच्चों से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं ये लोग। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th क्लास में जो है बच्चे जो है यहाँ पे 10th की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 2025 में
ये तमाम स्टूडेंट जो है ये बैच जो है कुछ ना कुछ जो है बढ़िया करेंगे लुसेंट कोचिंग के। ये बच्चे सब अब देख सकते हैं यहाँ जो अभी टेंथ क्लास करने के लिए ये लोग अभी प्रेजेंट में बैठे हुए, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं, कैसी तैयारी इन लोगों का हो रहा है और अपने क्लास में ये अभी टेस्ट वगैरह में कितना मार्क्स लेकर आते हैं और आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे ये लोग। अभी जो यहाँ के 472 जो टॉपर है यहाँ पे अंशु कुमारी, उन लोगों का उनका जो है रिकॉर्ड ये लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे ये लोग से बात करेंगे। पढ़ाई कैसी हो रही है आप लोगों की, कैसी की तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी। यहाँ पे टेस्ट वगैरह देते हैं आप लोग? यस। कितना मार्क्स वगैरह लाते हैं टेस्ट में? पूरा मार्क्स का होता है यहाँ पे टेस्ट? 50 का 50। 50 का 50 ले आते हैं। यस। तो अभी यहाँ पे सामने जो अंशु कुमारी इसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप? यस। यस तोड़ देंगे इसका रिकॉर्ड? यस तोड़ेंगे इसका रिकॉर्ड? यस तोड़ेंगे। यस यस। देखिए अंशु, सारे लोग जो है, सारे जो स्टूडेंट है आपकी जो जूनियर है वो कह रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्या लगता है अंशु का रिकॉर्ड आप लोग तोड़ पाएंगे? यस। यस। मेहनत लगा के पढ़ रहे हैं? मेहनत से पढ़ रहे हैं जी। यस। टेस्ट वगैरह अच्छा से देते हैं? जी सर। कितना मार्क्स आप लोग लेकर आते हैं? 50 में 50 लेते हैं। हाँ सर। आप लोग कहाँ से आते हैं? कितना लाट बसेपुरा से आते हैं आप लोग? बकरी बुजुर्ग से आते हैं, मतलब 5-7 किलोमीटर के रेंज के आप लोग हैं मुसीगाड़ी के क्षेत्र के। आइए जरा इधर कैमरामैन। आप लोग अंशु कुमारी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? यस सर। जी। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी। अच्छी। कितना मार्क्स में मिलाती हो यहाँ पे? 50-50 में से 49 आ जाता है। 49 आ जाता है। आप लोग? मेरा भी आ जाता है। आ जाता है। कैसी तैयारी आप लोग करते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी है। 25 में रिकॉर्ड तोड़ देंगे अंशु कुमारी का? जी जी। ठीक है, फिर हम नजर आएंगे आपको 25 में, रिकॉर्ड तोड़ देंगे अंशु कुमारी का? कोशिश जरूर करेंगे। 472 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? यस सर। टॉपर बन के बिहार टॉपर बनेंगे आप लोग? कोशिश पूरी है, पूरा कोई कोशिश रहेगी। यानी कि एनटीएस वाले छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? रुपेश कुमार। कितना एज है तुम्हारा? 14 साल है। क्या लगता है अंशु कुमारी का रिकॉर्ड तोड़ देना? पूरा कोशिश है सर, पूरा कोशिश रहेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज यानी जो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम बताया आप? रुपेश कुमार। देखिए बिल्कुल हाइट भी छोटा है, 14 साल एज है इसका। आपने, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर प्रतिभा खोज में आप जो है सफलता प्राप्त किए थे? जी सर। हाँ जी सर। उसके बारे में बताइए, कैसे तैयारी की थे वो? पूरा जम के तैयारी कराया गया था, शाम सुबह पढ़ाई करवाया जा रहा था। हाँ। और सभी लोग सर गाइड भी कर रहे थे। हाँ जी सर। तो आप यहाँ कहाँ एग्जाम देने गए थे उसका? इसका मेरा सेंटर पड़ा था तिरहुत अकेडमी, समस्तीपुर पड़ा था। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपको अभी देख रहे हैं, आपके कोचिंग को देख रहे हैं, आप लोगों को सुन रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी करनी चाहिए बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सके? सर जो पढ़ा है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए और घर पे भी रिवाइज करना चाहिए, तभी जाके कुछ बच्चा आगे कर पाएगा। हाँ, आप कितना घंटा पढ़ते हैं घर पे? वर्तमान में ज्यादा तो नहीं, मगर पूरा सब्जेक्ट को कंबाइंड कर लेते हैं। जी सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कैसी तैयारी है? बहुत ही अच्छी। अच्छी पढ़ते हैं मन लगा के? यस सर। आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आप भी प्रतिभा खोज में सफलता प्राप्त किए थे? कितना मार्क्स लेकर आ रहे थे? 95। 100 में 95? नहीं सर। कितना टोटल मार्क्स कितना था? 95। टोटल मार्क्स के कितना का एग्जाम था वो? 180 का। तो 180 में 95 मार्क्स लेकर आए थे। आप कितना लेकर आए थे? 99 लेकर आए थे। बहुत बढ़िया। तो आपने कैसे तैयारी की थी? बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपको? हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी सर, जो यहाँ पढ़ाते थे उसको भी हम कंबाइंड कर लेते थे, घर पे जाके उसको रिवीजन करते थे और कुछ एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ते थे। तो आप कहाँ से आते हैं? लाट बसेपुरा। आप भी लाट? मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ज्यादातर लाट बसेपुरा, बखड़ी और इस क्षेत्र के बरबट्टा वगैरह तमाम क्षेत्र के जो 5-7 किलोमीटर के रेंज के बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग अंशु कुमारी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? जी सर। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों विंग से जो बच्चे कह रहे हैं कि हम जो अभी प्रेजेंट में जो अंशु कुमारी यहाँ पे जो लेकर आई है 472 मार्क्स, उनका आपका रिकॉर्ड बच्चे तोड़ देंगे, क्या खुशी महसूस हो रही है? जी, हम चाहते हैं बिहार टॉपर में आए ये बच्चे सब, आपके स्कूल के बच्चे, आपके कोचिंग के बच्चे जो है बिहार टॉपर में आए। तो अंशु कुमारी भी चाहती है कि मेरा भी रिकॉर्ड यहाँ के जो इनके जूनियर है वो तोड़ सके। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या नाम हो आपका? संद कुमारी। कितना मार्क्स लेकर आए हैं? 97। यस। तो आप भी प्रतिभा खोज में गए थे? यस। प्रतिभा खोज वाले परीक्षा से सफलता प्राप्त की थी? जी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जो लड़कियां आप कुछ मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन लोगों को तैयारी के विषय में क्या कुछ कहना है, कैसी तैयारी करनी चाहिए कि जो बच्चों को सफलता प्राप्त होती है? सर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना चाहिए और जो पढ़ाए हैं उसका रिविजन खुद से भी करना चाहिए और अलग से खुद से पढ़ना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमाम जो लुसेंट के जो बच्चे हैं इनका जो है जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जो आपने हमें हमारे चैनल से आप लोगों ने अपनी अपने मन की बात को हमारे चैनल से शेयर किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और तमाम आपके फैकल्टी लुसेंट कोचिंग के फैकल्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अभी एक बाय एक मैं यहाँ पहुँच गया चूँकि मुझे पता चला था कि लुसेंट कोचिंग के बच्चे जो है यहाँ पर, और सेकंड प्रोग्राम भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो फैकल्टी से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर इस प्रोग्राम को लेके, बच्चों को जो है सम्मानित वगैरह भी आप लोग करेंगे क्या? सर करता हूँ दोस्तों जनता की आवाज़ आप तक के जितने व्यूअर्स हैं उनको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को भी अगर आपके इलाके से कोई बच्चे अगर अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आप हमें या आप कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके भी कोचिंग को हम दिखाएंगे देश के लोगों तक, और आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आए कि बच्चे अच्छे से अच्छे कर सके। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।